JEES बीमारी के रोकथाम के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने के लिए जिला स्तरीय एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारियों की एक दिवसीय मंडलीय कार्यशाला का आयोजन सिविल लाइन्स स्थित गोकुल अतिथि भवन में किया गया, जिसका उद्घाटन मंडलायुक्त अनिल कुमार ने किया। कार्यशाला में सभी अधिकारियों को खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों के संबंध में बताया गया और कहा गया कि अपने अपने विकास खंड में शौचालय का निर्माण करा लें, JEES जैसी गंभीर बीमारियों से लोगों को बचाएं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए विषय विशेषज्ञ विनोद मिश्रा ने कहा कि पूरे विश्व में भारत का एक नाम है। हमारे देश के 4 धनाढ्य विश्व के टॉप 10 धनी लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन खुले में शौच जाने के कारण विश्व में भारत की साख गिरी हुई है। इसलिए हमें युद्ध स्तर पर तैयारी करते हुए अपने मंडल को ODF कराना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप निदेशक पंचायत समरजीत यादव ने बताया। टीम से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे अधिकारीगण आए हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये तूफान है चल रहा है, कृपया इसको बंद करा दें। एक बार जोरदार मेरा साथ दीजिएगा, दिल से मजा नहीं आया, क्योंकि स्वच्छता की बिगुल बजानी है तो दिल से आवाज आनी चाहिए। जितने भी अधिकारी गण हैं उनको अंदर बुला लीजिए। मैं निवेदन करूंगा कि इससे बढ़िया कार्यशाला शायद आपको या तो दिल्ली जाके प्राप्त होगी या फिर लखनऊ जाना पड़ेगा। इस सर के हवाले स्वागत है। देश के लगभग हर इलाके में हम लोग जाते हैं, हमारी टीम जाती है, हम लोग जाते हैं। कैसे शुरुआत करने से पहले मैं इस लाइन देना चाहूंगा, देखिए ये एक ऐसा ये डिफरेंट देश के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। कुछ जो देश बड़े बड़े दिख रहे हैं ये पीले पीले लाल वाले, और ये बचा हुआ दुनिया है जैसे अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें आपको जिम्बाब्वे में मिलेगा, जाम्बिया में मिलेगा, नाइजीरिया मिलेगा, इथियोपिया मिलेगा, युगांडा मिलेगा, ऐसे देश हैं जहाँ खुले में शौच हो रहा है। लेकिन एक चीज जिसको देख करके हम सब भारतवासियों को, क्योंकि मैं भी इंडियन हूँ, काम भले ही इंटरनेशनल एजेंसी में मैं कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ वो लोगों से बहुत मिलता हूँ, एक बात पर बहुत शर्माती है। हमेशा जब ये फोटो मुझे कोई दिखाता है, एक अमेरिकन ने बनाया है, मेरा दोस्त अमेरिकन वहाँ जी स्पीयर, उसका नाम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उस आदमी ने ये फोटो ये स्लाइड बनाई और वो तो दिखाता है पूरी दुनिया में, लेकिन मुझे देख के बहुत तकलीफ होती है, शर्म भी होने लगती है और दुख भी होता है। और शर्म और दुख के कारण है, कारण ये है कि आज़ादी के 70 साल हमारे निकल गए लगभग, इंडिया को आज़ाद हुई और बहुत हम आगे निकल गए। हम वहाँ नहीं है जहाँ 1947 में अंग्रेज जहाँ छोड़े थे, वहाँ इंडिया नहीं है। हम 70 साल में बहुत आगे निकल गए और इतना आगे एक हायर पोजिशन में बैठा हुआ है। आप इस समय दुनिया के किसी IT इंस्टीट्यूट में चले जाइए, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में चले जाइए, स्पेस सेंटर में चले जाइए, तो आपको मिलेगा कि भारत के IIT का पढ़ा हुआ, वो चेन्नई का होगा, दिल्ली का होगा, कानपुर का होगा, मुंबई का होगा, गुवाहाटी का होगा, बट इंडियन IIT का पास आउट इंजीनियर या टेक्निकल या साइंटिस्ट वहाँ किसी ऊंची पोजीशन में जरूर मिलेगा, आपको गारंटी के साथ मिलेगा। पूरी दुनिया हंस रही है और वो ये हंस रही है कि खुले में टैक्टिक करना हिंदुस्तान में, जितने लोग आज सवेरे आज 26 तारीख है, आज 26 तारीख के सवेरे 5-6 बजे हिंदुस्तान के 50 करोड़ लोग खुले में टट्टी किए, आज कल भी किए, शाम को करेंगे, कल भी करेंगे, ये संख्या दुनिया में नंबर एक है। दुनिया के किसी देश में इतने खुले में टट्टी नहीं करते, या मुख्यमंत्री को रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके चिल्लाना पड़ रहा है और डांटना पड़ रहा है। मैं सुनता रहता हूँ UP की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, हम लोग पार्टिसिपेट कभी कभी करते हैं, अभी पिछले उस दिन भी जिस दिन स्वच्छ सर्वेक्षण हो रहा था उस दिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से चल रही थी। तो
ये दोनों पागल नहीं है, न देश पागल है, न इसमें लगे हुए लोग पागल है। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जिस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं अब ये हमारे लिए दुख का भी कारण हो गया है। उस शर्म की बीमारी फैली हुई है मंडल में, उसको रोकथाम के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, उसी के लिए कार्यशाला है, सभी वीडियो एडियो और जिला विकास अधिकारी सीडियो साहिबान और सारे लोगों को बुलाया गया है। स्कूल को स्वच्छ रखें, गांव में शौचालय बनाएं, कूड़ा करकट जो है डस्टबिन में डालें निर्धारित स्थान पे, खुले में शौच करने ना जाएं, हाथ धो के खाना खाएं, शौच जाने से पहले शौच जाने के बाद भी हाथ धो लें, ये सब है उद्देश्य।